पहला व्यू आप लोगों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का। आप लोग को पता है यहाँ पे जो है इतर की शॉप्स काफी फेमस होती है। जबरदस्त मंजर हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा तालाब बन चुका है यहाँ पे बारिश के बाद। तवक्कल कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है? तवक्कल का रेस्टोरेंट ट्राइब। तुमको कैसे मालूम ये मेरा आईडी है? कैसे मालूम? हम भी खा जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज सिटी में जाएंगे ये भाई। पे ये गुलशन है, ईरान में हम लोग खाएंगे, ईरानी खाना खाएंगे। फिश गार्लिक जो सैटरडे स्पेशल है, ये सीख कबाब खाने का वह बड़ा ही मन कर रहा था। 30 मिनट्स का वेटिंग करना पड़ा नंबर के। लजीजदार माशाल्लाह यहाँ पे खाना बन गया हमारे। यहाँ पे कैसे है, ब्रिटिश के ज़माने के बिल्डिंग्स बनी हुई है इस तरफ। यहाँ पे जाके हम लोग बैठते थे बट अभी पता नहीं क्यों यहाँ पे इन लोगों ने बंद ही किया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए ब्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप लोग को पता है मैं अभी इस वक्त मुंबई में हूँ। थोड़े दिन और बचे हैं बस अब मुंबई में रहने के लिए, और थोड़े दिन में मैं रिटर्न हो जाऊँगा अजमेर शरीफ। तो इसी दौरान जैसे आप लोग को पता है, मैं पिछले जो मेरे ब्लॉग थे उसके अंदर मैंने आप लोग को दिखाया था जामा मस्जिद। मैंने वहाँ की आपकी मैंने आप लोग को ज़्यारत कराई, और जामा मस्जिद के साथ साथ मैंने आप लोग को मंगलदास मार्केट और जो कैसा क्या माहौल, कैसा क्या मंजर है मोहम्मद अली रोड के पास का, वो मैंने दिखाया था। हम लोगों ने वो ब्लॉग एंड किया था नूर मोहम्मदी पे। और अभी जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग मंगलदास मार्केट वापस आए थे थोड़ी बहुत और शॉपिंग करने के लिए। अभी वापस निकल गए हैं हम लोग। तवक्कल जो है एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी मुंबई के अंदर। तो हम लोग भी जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कैसा क्या खाना है, और उसके बाद फिर आप लोग को इसी ब्लॉग में गेटवे ऑफ इंडिया दिखाएंगे। वहाँ पे भी बहुत ही ज़बरदस्त मंजर हो रहा है, बारिश हो रही है जैसे आप लोग देख सकते हैं, लाइट शावर्स चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मौसम हो रहा है मुंबई के अंदर का। और अभी के लिए तो हम लोग पहले तो तवक्कल जाएंगे, बोरी मोहल्ले के अंदर है। तो ये अभी इस वक्त हम लोग मोहम्मद अली रोड पे हैं, और आप लोग देख सकते हैं बारिश तेज़ हो चुकी है, अम्ब्रेला है साथ में है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मंजर माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। बारिश में भीगते हुए, बारिश का मज़ा लुत्फ उठाते हुए, और ये जो बारिश है रहमत की बारिश होती है ये गर्माहट के बीच में, ये ठंड के लिए आदमी को सुकून पहुँचाती है ये बारिश। और आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को कैमरा घुमा के दिखा दूँ, ये इस वक्त हम लोग ये ब्रिज के नीचे, ये फ्लाईओवर है ऊपर, और ये आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स भी आप लोग को देखने मिलेंगे ये मोहम्मद अली रोड के ऊपर। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज़ है, जैसे आप लोग को यहाँ पे स्वीट्स की दुकानें तो मिलती है, प्लस साथ में आप लोग को यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं इतर जो है, इतर की शॉप्स काफ़ी फेमस होती है। और ये हम लोग ऑलमोस्ट अभी भीग जाएंगे पूरा बारिश में, दबा के बारिश हो रही है। आज हम लोग स्कूटी में आए थे, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोग कार में आए थे, आज स्कूटी में आए, इसलिए ज़्यादा मैं रास्ते का ज़्यादा कुछ मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और आज का जो है मैं ज़्यादातर आप लोग को अभी पूरा यहाँ का लोकल कैसा क्या मार्केट है मोहम्मद अली रोड के आसपास का, ये आप लोग देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त मंजर हो चुका है यहाँ पर। और मेरा कैमरा भी ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं कि भीग चुका है, अभी थोड़ा सा फ्लाईओवर के नीचे आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 300 रुपये के और 250 रुपये के यहाँ पे चप्पल, बट मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं इसमें। तो ऐसा हम लोग अभी ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आप लोग को पता है यहाँ पे बहुत कुछ खास है यहाँ पे मोहम्मद अली रोड और इसके आसपास का जो एरिया। शॉपिंग करने के लिए आओ तो आपके पास इतना सब कुछ है शॉपिंग करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं तवक्कल। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये साइड में लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे पूरा तालाब बन चुका है यहाँ पे बारिश के बाद, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये माशाल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा जैसी बहुत ही खूबसूरत गुंबद यहाँ पे मदीने जैसी बनी हुई है माशाल्लाह। तो अभी तवक्कल रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे कैसा क्या माहौल है और कैसा क्या वेराइटीज़ है खाने में। और
खाएंगे इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करेंगे। देखते हैं किधर है तवक्कल रेस्टोरेंट। इतने सारे तवक्कल के ब्रांचेस खुल चुके हैं, समझ में दादा। तवक्कल कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है तवक्कल का? रेस्टोरेंट तवक्कल रेस्टोरेंट। खाना नहीं मिलता है? अच्छा खाना नहीं, सिर्फ फास्ट फूड। अच्छा मुझे लगा खाना मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि तवक्कल रेस्टोरेंट में जाना था, बट ये नहीं मालूम था कि तवक्कल रेस्टोरेंट से रमज़ानों में चलता है और बाकी तो तवक्कल स्वीट और रोल्स और ये सब मिलते हैं। तो हमें अभी लग रही भूख, इसलिए हम लोग यहाँ का कुछ खा नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे याद है जब लास्ट टाइम 2 साल पहले मैं आया था, सहरी करने आए थे हम लोग, तो सहूर के टाइम पे, उस टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे 4 बजे कुछ हम लोगों ने खाना खाया था। तो मुझे लगा यहाँ पे खाना होगा अभी भी, तो यहाँ पे खाना नहीं है। आप लोग देख सकते हैं तवक्कल का ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्वीट शॉप है और काफ़ी सारे आउटलेट ब्रांचेस खुल चुके हैं यहाँ पे तवक्कल के। और ये तमाम इनके यहाँ मोस्टली ये बेदर रोल और ये सैंडविचेस टाइप में यहाँ पे सारा सामान मिलता है। और हमें खाना है कबाब, रोटी, चिकन टिक्का, कुछ हैवी कुछ खाना है। तो इसलिए अभी हम लोग कोई और दूसरी जगह जाते हैं। और ये वाला एरिया जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसे बोरी मोहल्ला बोलते हैं। मोहम्मद अली रोड से थोड़ा सा आगे बोरी मोहल्ला आप लोग पूछेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे काम हो रहा है, कितना काम चल रहा है यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर, बोरी मोहल्ला। और जितनी भी बिल्डिंग्स है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा बिल्डिंग बनने वाली है आने वाले टाइम में। ये आप लोग देख सकते हैं किस लेवल का यहाँ पे काम चल रहा है। और अभी हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने नूर मोहम्मदी में खाना खाया था, तो इसलिए वो रिपीट नहीं करना चाहेंगे। वहाँ पे मैं एक बार जाता हूँ, तो मिनिमम एक बार जब भी मुंबई में आता हूँ वहाँ तो जाता ही जाता हूँ। अभी हम लोग कोई दूसरी जगह एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि कोई और जगह मिलती है खाने के लिए, तो वहाँ पे जाके खाएंगे। हाँ, तुमने सब्सक्राइब किया हुआ है? तुमको कैसे मालूम ये मेरा आईडी है? कैसे मालूम? हाँ हाँ, पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था पिछली बार जब ज्यारत पे आया था, यहाँ पे दरगाह ज्यारत अब्दुलरहमान बाबा और तमाम जितनी भी दरगाह थी ना, सबका मैं ज्यारत करा रहा था। तो उस टाइम तुम दोनों ही थे ना। तो यहाँ पे माशाल्लाह हुजूर गरीब नवाज की एक बहुत प्यारी चादर थी, तो मैं रुक के वहाँ पे मैंने वो वीडियो बनाया था। सही पकड़ा। और नाम याद है तुमको अभी तक? हाँ ये देखो माशाल्लाह 7-8 महीने हो गए। और नाम याद कैसे है, मतलब सब्सक्राइब किया हुआ है? अच्छा, तो इनको नाम मेरा माशाल्लाह अभी तक याद है। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये शबनम कलेक्शन, ये भाइयों का है ना भाई, ये भी हुजूर गरीब नवाज के पक्के आशिक है। ये भाई भी माशाल्लाह हुजूर गरीब नवाज के पक्के आशिक है माशाल्लाह। हाँ भाई, हम भी खाजा इब्न के पक्के माशाल्लाह माशाल्लाह। आज सिटी में जाते हैं, ये भाई इंशाल्लाह आएगी सिटी। आज ये भाई ने इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और हमारे उधर ब्राइडल के हिसाब से, पार्टी वेयर के हिसाब से सब चीजें मिलती है। बुरखा अबाया है, शरारा है, दरगाह की चादर है, जैसे जिलेब आप देख सकते हो। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत खूबसूरत में। मैं ना पिछली बार जब यहाँ से गुजर रहा था यहाँ से, तब मेरे को एक हुजूर गरीब नवाज की बहुत अच्छी चादर आई थी वहाँ पे है, वो तो मैंने वो दिखाया था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम लोगों ने आपको बताया तवक्कल में गए थे खाने के लिए, बट कुछ वहाँ मिला नहीं, मतलब पूरा फास्ट फूड टाइप का वहाँ पे काउंटर लगा हुआ था और हमें चाहिए खाना। तो इसलिए ये अभी इंशाल्लाह यहाँ पे ये गुलशन है ईरान में हम लोग खाएंगे, ईरानी खाना खाएंगे और कैसा क्या रहेगा खाना अंदर का, इंशाल्लाह वो आप लोग को दिखाएंगे ब्लॉग के अंदर। तो आप लोग बने रहे, और अभी पहले तो गाड़ी को पैक कर लेते हैं पार्क। फाइनली मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमने यहाँ पर ये फ़िश गार्लिक जो सैटरडे स्पेशल है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और ये सीख कबाब खाने का बड़ा ही मन कर रहा था, तो इसलिए सीख कबाब हम लोग अभी खाएंगे, तंदूरी रोटी मंगाएंगे। और हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वेटिंग करना पड़ा नंबर के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लाइन लगी हुई थी जब हम लोग पहुँचे थे। और बड़े ही ज़बरदस्त भूख भी लग रही है। अभी 4 बज गए हैं शाम के, अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जाएंगे फटाफट आप लोग को गेटवे ऑफ इंडिया जल्दी दिखाएंगे, नरीमन पॉइंट दिखाएंगे, और वहाँ से फिर हम लोग
घर के लिए रवाना किया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गुलशन है ईरान जो रेस्टोरेंट है, ये साउथ मुंबई में प्रॉफिट मार्केट के पास में है और ये बहुत ही कदीमी, बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है साउथ मुंबई का। 1958 का बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं थोड़े ही सालों में 100 साल हो जाएंगे। सो बहुत ही ज़्यादा ये पुराना रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कदीमी रेस्टोरेंट है। मनीष मार्केट प्राइम लोकेशन में इसके आसपास में, मनीष मार्केट, प्रॉफिट मार्केट, मंगलदास मार्केट, ये सब मार्केट मैंने आप लोग को ब्लॉग्स के जरिए मैंने आप लोग को दिखाया पिछले काफ़ी दिनों के अंदर। और अभी के लिए तो हम लोगों ने जो फिश गार्लिक मंगाया था वो अवेलेबल नहीं था, बोल रहे हैं कि अभी क्योंकि मानसून का वक्त है और फिश का मिलना, मछलियों का मिलना इस सीज़न में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाई टाइड होते हैं, मछुआरों के लिए इजी नहीं होता है मछलियां पकड़ना, तो इसलिए ये टाइम वो बोल रहे हैं मछली जो है फिश मिलना थोड़ा मुश्किल है। और हम लोगों ने मंगाया, फिर हम लोगों ने मंगाया चिकन पेपर उसके बाद तब्दील में उसके अगेंस्ट में, तो अभी हम लोग खा के देखेंगे, आप लोग को बताएंगे कैसा खाना है यहाँ का। ब्लैक पेपर चिकन मंगा लिया है और माशाल्लाह हमने बिस्मिल्लाह तो कर दिया वीडियो स्टार्ट होने से पहले, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त गुलशन है ईरान के अंदर। और ये जैसे आप लोगों को मैं दिखा रहा था, ये चिकन ब्लैक पेपर भर भर के ब्लैक पेपर डाला हुआ है इसके अंदर, और ये कबाब, ईरानी कबाब आप लोग देख सकते हैं, कबाब का एक एक साइज़ देख सकते हैं, इतना बड़ा कबाब है। तो अभी चखेंगे, खाएंगे और आप लोग को बताएंगे और यहाँ से निकलेंगे। जैसे आप लोग को बताया, हम लोग अभी यहाँ से गेट ऑफ इंडिया जाएंगे और वहाँ का कैसा क्या मंजर रहेगा वो आप सबके साथ, इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आप सबको मैं दावत देता हूँ, खाइए हमारे साथ खाना, खाइए इंशाल्लाह किसी दिन। तमाम जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं, उम्मीद करूँगा सब साथ में हम लोग कभी बैठ के खाना भी खाएंगे इंशाल्लाह। चॉकलेट मिल्क शेक भी आ गया है माशाल्लाह, लजीजदार माशाल्लाह यहाँ पे खाना बन गया हमारे सामने रेडी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट गेटवे ऑफ इंडिया के पास वाला जो एरिया है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, पहुँचने ही वाले, मतलब ज़्यादा दूर नहीं बचा, ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट के अंदर। और हम अभी यहाँ से अभी गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने मेरे जो पिछले व्लॉग है उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे कैसे ब्रिटिश के ज़माने के बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसमें तो पूरा कवर नहीं हो पाया था। तो ये अभी के आज के ब्लॉग में मैं कंटिन्यूटी समझ लो आप, कि मैं आप लोग को ब्रिटिश के दौर के जो बिल्डिंग्स है वो मैं आप लोग को एक्सक्लूसिव मेरे ब्लॉग्स में आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। और बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे आर्किटेक्चर जो है, आप लोग बोल सकते हैं कि ब्रिटिश के ज़माने में कैसे कैसे बिल्डिंग्स उन लोगों ने बनाई थी। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है, बड़ा ही ज़बरदस्त, मतलब आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स भी हो सकती है, इतनी खूबसूरत। ये जेम्सटेन जी एंड पेटिट इंस्टीट्यूट, तो ये आप लोग देख सकते हैं ब्रिटिश के ज़माने के नाम से अभी तक चल रहे हैं ऐसे बिल्डिंग्स यहाँ पे अभी तक। Thank you.
ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये फर्स्ट इम्प्रेशन और फर्स्ट ग्लांसेस, पहला व्यू आप लोगों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का। वैसे तो यहाँ पे अलाउड नहीं, हम स्कूटी पे हैं, हम बाहर से अभी निकलते हुए जाते हैं, आगे जाके इंशाल्लाह अभी आप लोग को दिखाएंगे कैसा है। और ये सामने जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये ताज पैलेस है, और यहाँ से अभी बस ये सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ताज पैलेस है, ताज होटल जो है सामने है, और ये वही ताज पैलेस है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था, आप लोग को सबको पता है इस बारे में। और यहाँ पे ये इधर ही है गेटवे ऑफ इंडिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये गेटवे ऑफ इंडिया, कितने सारे यहाँ पे विजिटर्स यहाँ पे व्यू करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। और देखते हैं यहाँ पे स्कूटी अगर अलाउ कर देते पार्क करना तो थोड़ी देर के लिए हम उतर जाते हैं अभी। और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर, और जैसे मुंबई के अंदर का ये गेटवे ऑफ इंडिया है, और दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है। और अभी इस वक्त जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर यहाँ पे अभी हैं, और ये पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये ताज पैलेस, बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये पैलेस बना हुआ है, होटल बना हुआ है, ये एक पैलेस हुआ करता था पहले के ज़माने में, और ताज होटल्स ने इसको लीज़ पे लिया, 99 ईयर्स के लीज़ पे लेते, और उसके बाद फिर वो यहाँ पे होटल बिजनेस जो है रन करते, और बड़ा ही ज़बरदस्त ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा समंदर के जस्ट बीचों बीच 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीता था, ICC 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप था वो जीता था, तो वो यहाँ पे आके उन्होंने फ़ोटोशूट भी किया था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, फ़र्स्ट टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम, मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ पे, और यही मैंने सोचा जब मैं यहाँ पे आया ही हूँ अजमेर से आप लोग को दिखाने के लिए, मुंबई दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग मार्केट से पास में ही थे, ज़्यादा दूर नहीं है ये मोहम्मद अली रोड से, हार्डली मोहम्मद अली रोड से 10 मिनट्स की दूरी पे, और हम लोग 10 मिनट्स में यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ताज पैलेस, किसी दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग को अंदर से भी लेके जाएंगे, अंदर का भी इंशाल्लाह व्यू दिखाएंगे कैसा क्या मंज़र रहता है अंदर से। और ये आप लोग देख सकते हैं आज सैटरडे का दिन है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रश हो रहा है यहाँ पे आज सैटरडे के दिन है, और यहाँ पे पुलिस यहाँ पे फोर्सेस आपको हमेशा तैनात होते हुए दिखेगी। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग फाइनली हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन था, हमारा लास्ट स्टॉप
और यहाँ से इसके बाद हम लोग घर के लिए रवाना होंगे। ये नरीमन पॉइंट है और पहले तो जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी साल पहले हम लोग जब आते थे तो यहाँ पे हमें अलाउ कर दिया जाता था जाने के लिए इस तरफ, यहाँ पे जाके हम लोग बैठते थे, बट अभी पता नहीं क्यों यहाँ पे इन लोगों ने बंद भी किया हुआ। और अभी के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हम लोग अभी इस वक्त नरीमन पॉइंट में है और ये वाला जो एरिया पड़ता है इसके पीछे, ये पूरा का पूरा मरीन ड्राइव वाला एरिया पड़ता है। और अभी तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं नरीमन पॉइंट में, ओबेरॉय बिल्डिंग और काफ़ी सारे टावर्स यहाँ पे, ट्राइडेंट। और अभी हम लोग यहाँ से अभी इंशाल्लाह रवाना होंगे घर के लिए। और अभी को आप लोग को हम ऊपर से दिखा देते हैं एक बार कैसा क्या मंज़र है, ये आप लोग देख सकते हैं। वही ज़बरदस्त मंज़र आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे, तमाम जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे आते हैं इंजॉय करने के लिए यहाँ पे। और ये आप लोग देख सकते हैं कैसा मंज़र है यहाँ का आज का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग आज का अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही व्लॉग्स आप सब तक इंशाल्लाह पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। अल्लाह का करम रहा और हुजूर गरीब नवाज के सदके तो फैल में, तो इंशाल्लाह आप सब तक मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्लॉग्स के ज़रिए आप सबको और दिखाता रहूँगा मेरा कैसा डेली लाइफस्टाइल है, मैं कैसे क्या करता हूँ पूरे दिन के अंदर, वो मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ। और हुजूर गरीब नवाज का करम आप सबके ऊपर बना रहे। आप सबके लिए, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबके लिए खूब सारी दुआएं। और अभी थोड़े दिन और बचे हैं मुंबई के अंदर और कोशिश करेंगे और भी अगर कुछ यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए हो पाया, दिखा सके, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप सब तक दिखाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबसे इंशाल्लाह मेरे अगले ब्लॉग में बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।